शरणागत आवे, संतन संपद सब ही भरपूर पावे, ऐसे गुरु महाराज मोको अति भावे, कोसा भी नंदन निज दिन गुण गावे। नमस्कार दोस्तों, लखनऊ में गणपति महोत्सव का आयोजन अपने पूरे शवाब पर है और इस वक्त हम लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित बीबीडी यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जहां आप देख सकते हैं मेरे सामने गणपति विराजमान हैं। और अभी अभी आप यहां पर काफ़ी अच्छा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ है, जिसमें बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर यहाँ पर आई थी। तो इस पूरा प्रोग्राम जो आयोजित किया है उस वो हैं बीबीडी के चेयरपर्सन विराज सागर साहब ने, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद गणपति बप्पा मौर्या। गणपति बापा मौर्य और सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर मुझे याद है जब पहली बार आपके पिताजी ने यहाँ पर गणेश उत्सव शुरू किया था, तो मैं वहाँ था, मैंने उनके साथ, और इतने साल हो गए तो ये परंपरा जो है आपने जारी रखी, कैसा लग रहा है और क्या क्या इस साल आपने क्या क्या खास किया? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। गणेश जी का हमारे पूरे कैंपस में हर एक बच्चे पर एक बहुत आशीर्वाद है, और कैंपस जब से हमने चालू करा 97 में, तब से बढ़ते बढ़ते आज हमारे यहाँ 20,000 बच्चे हैं। तो गणेश जी का ही एक आशीर्वाद है, और हर साल हम इस परंपरा को कायम रख रहे हैं। इस बार हमारे यहाँ मैथिली ठाकुर जी ने बच्चों के लिए परफॉर्म करा पदम। काफ़ी बच्चे आए हुए थे उनको देखने में, काफ़ी गैदरिंग थे। खुद मेरे से इंटरव्यू में मैथिली ठाकुर ने कहा कि इतनी भीड़ मतलब लखनऊ में उनको पहली बार मिली। बहुत बच्चे आए थे, पूरा भरा हुआ था, और पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी ने भी यहाँ पर परफॉर्म करा था, हमारे बच्चों ने करा, तो बहुत अच्छा लगा। 5 दिन का ये कार्यक्रम था, कल विसर्जन होगा, तो सारे बच्चों ने भाग लिया, बच्चों ने खुद भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, तो बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिलाकर ये परंपरा आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, हर साल जारी रहेगी और इसे और भव्य करते रहेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि विराज सागर जी की कुछ आपने अपने पिताजी की विरासत बहुत बखूबी संभाल ली है, तो आपके पिताजी राजनीति में भी थे, तो विराज सागर भी राजनीति अगले दिनों के बाद राजनीति ज्वाइन करने का इरादा रखते हैं? बिल्कुल, मेरे बाबा जी भी थे राजनीति में, पिताजी भी थे, पर उनका लक्ष्य राजनीति में ये था कि वो जनता की सेवा करें, तो हमारा भी वही लक्ष्य है और हम जनता की सेवा कर रहे हैं। अब राजनीति उसका एक माध्यम है, पर जो हमारा गोल है वो जनता की सेवा करना है, जो हम करते जाएंगे। तो अपने पिता और दादाजी की परंपरा को जो है इनका कहना है विराज सागर जी के, वो इसे बरकरार रखेंगे, जैसे इनके दादाजी स्वर्गीय बाबू बनासी दास जी थे और पिताजी श्री स्वर्गीय अखिलेश दास जी लगातार जनता की सेवा में रहे, उसी तरह ये भी अपने पिताजी और दादाजी के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। और यही कारण है कि गणपति बप्पा की जो परंपरा यहाँ बीबीडी स्टेडियम यूनिवर्सिटी में हो रही है उसे कायम रखे हुए हैं। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, यूपी न्यूज़ लखनऊ।